बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान आज अचानक से हंगामा हुआ है, जिसके बाद तमाम पथराव किए गए और वहां पर हंगामा कटा हुआ है, जिसके बाद वहां पर जो है गोलीबारी भी की गई। खुद आप देख सकते हैं कि विधायक जी जो है खुद अपने तमाम समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद हैं और यहां पर पूरी व्यवस्था को वो खुद देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि लाइन से जो मूर्तियाँ हैं जो विसर्जन के लिए जानी थी वो लाइन से यहाँ पर खड़ी हुई हैं, यानी अपने तरीके से जो है यहाँ पर जो प्रदर्शन का दौर है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है और जो तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो लगातार यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो लाइन से खड़ी कर दी गई हैं। अपनी तरीके से यहाँ पर विरोध जो है वो जताया जा रहा है। यहाँ पर जो विधायक जी हैं वो खुद मौके पर मौजूद हैं, हम विधायक जी से बात करेंगे। सर, क्या हुआ था और आप खुद 3:30 बजे के बाद था, आप खुद मौके पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे? 4:30 नहीं 4:30 बज रहा है जी सर, 4:30 बज रहा है। कल कुछ अराजक तत्वों ने घटना की और घटना के बाद में एक राम गोपाल के व्यक्ति को घर के अंदर घसीट करके गोली मारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे, वहाँ से लगातार समीक्षा कर रहे थे। उसके बाद लखनऊ आने के बाद में एडीजी को बहराइच भेजा, डीआईजी हैं, कमिश्नर हैं। अब इस समय मूर्ति विसर्जन सब कहीं का हो चुका है, यहीं का शेष था। अब आपके सामने गाड़ियां जा रही हैं और गाड़ी जाने के बाद में अब आगे की कार्रवाई, जैसा कि आपने देखा होगा एक्स पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया है कि जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, सबको जीवन की गारंटी दी जाएगी, लेकिन जिनके कारण ये हुआ है वो कोई भी बख्शे नहीं जाएंगे। सर, हुआ क्या था आखिर, ये बवाल कैसे हुआ अचानक, ये इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? अब उन्होंने लीड खींच ली, जो लोग बताते हैं कि ये राम का गाना यहाँ नहीं बजेगा या माता जी का गाना यहाँ नहीं बजेगा, इसी पे विवाद शुरू हुआ। और विवाद को समझ पाए जाने में कि अनजाने में हिंदुओं के ऊपर ही लाठीचार्ज कर दी उन्होंने, इंस्पेक्टर ने, पुलिस ने, हाँ, उनको पकड़ना चाहिए कि जिन्होंने विवाद शुरू किया था। और मेन रोड पे आपने देखा होगा कि मेन रोड पे है, कहीं न कोई रास्ता सकरा है न कुछ है, 7 मीटर की चौड़ी रोड है, मेन रोड पे उन्होंने लीड निकाल ली कि गाना नहीं बजेगा। ये सबका मौलिक अधिकार है भारत में रहने वालों का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिसका जो त्यौहार होगा जी जी उसका गाना बजेगा। और आपके यहाँ अभी त्यौहार हुआ है, 20,000 लोग यहाँ एकत्र हुए थे तब भी आपका गाना बजा था, तो आप किसी को मना नहीं कर सकते हैं। ये सरासर यहाँ के इंस्पेक्टर और यहाँ के सीओ की लापरवाही है, चौकी इंचार्ज की लापरवाही है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कौन सा इंस्पेक्टर हैं, कौन सीओ हैं, ये किस थाने के? अब ये जानकारी कीजिएगा, हम लोग पहले इसको विसर्जित करा दें, फिर बाद में आपसे बात करेंगे। क्या सर, इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, किसी को ज़्यादा नुकसान हुआ? आधा दर्जन से लोग ज़्यादा घायल हैं, एक ट्रामा सेंटर में हैं, एक मृत्यु हुई है जिनका पोस्टमार्टम हो गया है। अभी लगभग 6 बजे वहाँ से लाश निकलेगी बहराइच से और उनका अंतिम संस्कार कराने के बाद में अग्रिम कार्रवाई शुरू होगी। यहाँ छापे भी पड़ रहे हैं लगातार, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, मुकदमा भी लिख गया है, इंस्पेक्टर और चौकी दोनों निलंबित हो गए हैं और आगे की कार्रवाई जो जो दोषी पाए जाते रहेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होती रहेगी। सर, आप क्या डिमांड करते हैं इस पूरे घटना को लेकर? नहीं, मैं कोई डिमांड नहीं करता हूँ, जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लगता है सर बड़ी लापरवाही की गई यहाँ पे सर? अब नो कमेंट। तो बिल्कुल देखिए, विधायक जी जो है खुद मौके पे मौजूद हैं, सारी व्यवस्था को देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो रास्ते को जो है धीरे धीरे साफ करा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मूर्तियां जो है यहाँ पे जो है खड़ी की गई थी उसके बाद इस रास्ते को ब्लॉक किया गया था, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई थी, घटना की को लेकर के आक्रोश था और लोगों में जो है नाराज़गी थी, जिसको लेकर के जो पूरा रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया था। लिहाजा यहाँ पर जो तमाम मूर्तियाँ हैं वो सड़क पर ही जो लगा करके लोग प्रदर्शन कर रहे थे, रास्ते को ब्लॉक किया गया था और जिस तरह से एक दूसरे पक्ष की तरफ से यहाँ पे पहले मूर्तियों पे पथराव किया गया, आगजनी की गई, गोलाबारी की गई, जिसमें एक की मौत भी हुई और कुछ लोग घायल भी हुए, उसका विरोध था। लिहाजा
मौके पे विधायक पहुंचे हैं, तमाम जो पुलिस का हमला है वो यहाँ पे पहुंचा, अधिकारी यहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। और यहाँ पर अब ये जो मूर्तियाँ हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ाई जा रही हैं, यानी रास्ते को जो है खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है। खुद विधायक की मौजूदगी में, प्रशासन के जो तमाम पुलिसकर्मी अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में धीरे धीरे रास्ते को जो है खोला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मूर्ति विसर्जन के लिए जो मूर्तियाँ जा रही थी उनको बाकायदा रास्ते में रोक करके यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्थानीय विधायक हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो स्थानीय इंस्पेक्टर हैं, जो CO हैं, उनकी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि जब ये मूर्ति विसर्जन के लिए जो है जो जुलूस निकल रहा था, यहाँ पर जो है माता रानी के गाने जो है वो बज रहे थे, ऐसे में पुलिस जो है यानी स्थानीय जो इंस्पेक्टर है, जो CO है, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है खुद जो है कहीं ना कहीं लापरवाही की गई। क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से यहाँ पे जो लाउड स्पीकर में गाने बज रहे थे माता रानी के, उनको कम आवाज़ जो है बंद कराने को लेकर के यहाँ पे विवाद खड़ा हुआ। और विवाद के दौरान जो है सीधे हमला किया गया, पथराव किया गया, जिसमें मूर्तियाँ हैं वो खंडित की गईं। इसके अलावा गोलीबारी की गई, जिसमें एक को गोली लगी, इसके अलावा और लोग भी जो है घायल हुए और घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जिनकी मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब मर्चरी पे जो है पोस्टमार्टम सुबह शुरू होगा और उसके बाद बॉडी को जो है वो उनके घर तक पहुंचाने का काम जो है वो भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है प्रशासन करेगा। बहरहाल सबसे फर्स्ट यही है कि अब विधायक जो है वो खुद मौके पर मौजूद हैं, तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं और भारी संख्या में पुलिस बल वो तैनात है, यानी स्थिति को जो है लगातार कंट्रोल में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। लोगों का यही आरोप है कि स्थानीय पुलिस और जो CO हैं यहाँ के, उनकी जो है लापरवाही रही, यानी इंस्पेक्टर और CO की लापरवाही रही। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि वो दिल्ली में मीटिंग में थे और जैसे ही उनको इस पूरी घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने खुद जो है इस मामले में कठोर जो है कार्रवाई की। उनके आदेश पर तत्काल इंस्पेक्टर और CO को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। लेकिन लोगों का आरोप है कि जब यहाँ पर एक दूसरे समुदाय का जो कार्यक्रम होता है तो उसको अच्छे से निपटाने में पूरी तरह से यहाँ के लोग जो है वो सहयोग करते हैं। ऐसे में कल जो है जिस तरह से मूर्ति विसर्जन हो रहा था, तो आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पर जो है हंगामा खड़ा कर दिया गया एक समुदाय की तरफ से, और उसके बाद गोलीबारी की गई, पथराव किया गया जिसमें मूर्तियां खंडित हुईं और स्थिति ये हो गई कि गोलीबारी में जहां लोगों को जान गंवानी पड़ी, यहीं कुछ लोग घायल भी हो गए। बहरहाल अब लगातार कोशिश यही की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल किया जाए और इस रास्ते को जो है पूरी तरह से साफ कराया जाए। यहां पे जो और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये स्थानीय लोग हैं, ये ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्या हुआ था भैया? सर हम नहीं जानते, हम यहाँ मार्केट में आ गए थे, मन अच्छा। अपनी मूर्ति लेकर के वो लोग पीछे थे। क्या पता चला आपको, हुआ क्या था? सर हम नहीं जानते हैं, हम लोग अपनी मूर्ति के साथ पे ट्राली पे थे। अच्छा, आप लोग विसर्जन करने जा रहे थे? जी, हम लोगों की मूर्ति आगे रहती है। क्या पता चला था भैया, क्या हो गया था विसर्जन के दौरान? हम लोग तो वहाँ तहसील पे थे। अच्छा, हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग अपने मूर्ति के साथ में थे, क्योंकि हम लोग घर पे मूर्ति रखते हैं इसलिए। तो पता नहीं चला कि क्या हो गया वहाँ पे, कैसे गोलीबारी हो गई, पथराव हो गया? नहीं, जब हम लोग आए हैं तो अंदर उसको गोली मार दिए थे। अच्छा, किसको लगी थी गोली? मालूम नहीं है, एक लड़का कोई से वाला रेहुआ मंसूर का था, उसको लगा, जो अंदर गया। और लोग भी घायल हुए थे? हाँ, तो अच्छा। तीन लोग और बोल रहे हैं घायल हुए हैं। हम लोग उधर मतलब वहाँ तहसील से पीछे से वापसी हो गए, तो मूर्ति वापसी। पता चला कौन लोग थे जिन्होंने ये किया? बहरहाल बिल्कुल जिस तरह से पथराव किया गया, गोलीबारी की गई जिसमें मौत भी हुई, कुछ लोग घायल भी हुए, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है, जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहरहाल मौके पे जो स्थिति है वो लगातार कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की जा रही है। जो स्थानीय विधायक हैं वो अपने तमाम समर्थकों के साथ जो है यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से मेंटेन रहे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है काफ़ी इस घटना को लेकर के नाराज़गी जताई। यही वजह रही कि जो स्थानीय इंस्पेक्टर और जो CO हैं जिनकी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई, उनको हटाने का काम किया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। बहरहाल अब यहाँ पर जो है स्थिति कंट्रोल में है और आप देख सकते हैं कि जो तमाम मूर्तियाँ हैं वो यहाँ से जो है धीरे धीरे रवाना
कर दी गई हैं। विसर्जन के लिए यहां से एक एक करके जो मूर्ति है वो ले जाई जा रही है। विधायक जी का साफ कहना है कि जिनकी लापरवाही थी उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना को लेकर के संज्ञान लिया और सख्ती के आदेश भी दिए। यही वजह रही कि अब एक्शन भी लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरी घटना सामने आई उसमें स्थानीय पुलिस यानी जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी जो लापरवाही है वो सामने आई। यही वजह रही कि उनको सस्पेंड किया गया, यानी इंस्पेक्टर और CO को सस्पेंड कर दिया गया। दीपक कुमार जी तो हम उसी के साथ थे, बाद में ये हुआ मूर्ति रोक दी जाए। अच्छा। वहाँ पे कुछ बलबा हो गया। हाँ। तो वहाँ पे फिर लोग दौड़ने लगे। हाँ। लेकिन फिर भी हम मूर्ति छोड़ के नहीं गए। अच्छा। हमारे पास भाई मूर्ति है, एक जजमान बैठे थे, पंडित जी बैठे थे कि जब बलबा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे कुछ हादसा हो जाए, तो फिर अपनी मूर्ति छोड़ के गए नहीं, बस इसी जगह रहे, बाकी लोग दौड़ के गए। अब जो कुछ वहाँ पे हुआ वहाँ पे अभी तक हम नहीं, क्या पता चला हुआ क्या। अब हुआ कुछ जो है नारा लोग लगा रहे थे, जैसे जय माता की और सब नारा लगा रहे थे अपना धार्मिक नारा, उसी में अपना जो है जो कुछ हुआ तो उसी में, ये नहीं कि कैसे का हुआ। फिर ये लोग बजे पथरा आवाज़ ज़्यादा थी है ना, साउंड बज रहा था माता रानी का, उसमें पथराव कर दिया गया। हाँ कुछ ऐसे सुने हैं बस यही कि हाँ हुआ है, पथराव हुआ है, जैसे भी हुआ है। तो क्या पथराव में गोलीबारी में लोग घायल भी हुए, चोटिल भी हुए? बस केवल सुनी सुनाई है कि लोग मतलब चोट खाए हैं कोई, बाकी तो मतलब ये भी मतलब हमने भी पे देखा है जो है पे मोबाइल पे जी ये जो है ख़त्म भी हो गए हैं दो लोग। अच्छा। आप किस तरह देख रहे हैं, आप क्योंकि अध्यक्ष हैं आप पूरे जी तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह की लापरवाही, क्या स्थानीय पुलिस की भी लापरवाही रही है यहाँ? नहीं लापरवाही तो रहीबे की, बाकी जो है जैसे बच्चे हैं तो भाई उनका हौसला है वो अपना कर रहे हैं, बस बाकी हम लोग जो है थोड़ा। अच्छा जो आरोपी उनके खिलाफ किस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह? अब कार्रवाई जो पर आदेश के हुई है जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं जैसे भी हैं जैसा भी चाहिए वैसे हम उनके साथ हैं, बस तो क्या उसमें। अचानक से माहौल ज़्यादा बिगड़ गया, कभी 33 साल हो गए 34 साल रहे उसमें कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ बराबर जो है 33-34 साल से मूर्तियाँ विसर्जन होती थी और यहाँ पर जो है मतलब मुस्लिम भी बिरादरी और मतलब सब हिंदू रहते थे, कभी कोई बात नहीं हुआ, लेकिन अचानक माहौल बिगड़ गया। बल्कि आज भी जो विसर्जन के लिए मूर्तियाँ गई, हमारी मूर्तियाँ सब आ गई यहाँ पे घूम कर, हमारी मूर्तियों पर कोई ऐसा नहीं हुआ। अब उधर से मूर्ति जब आई है तभी जो कुछ हुआ वो कैसे हुआ क्या हुआ वो हमें। अच्छा ये दादा कौन सा इलाका है जहाँ से मूर्तियाँ जा रही थी, कहाँ जा रही? ये महाराजगंज है, जो चांदपारा महाराजगंज लगता है जी। ये मूर्तियाँ इधर गौड़िया घाट विसर्जन के लिए। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है। अच्छा। जी और जो घटना हुई वो कहाँ पे है? घटना हुई है यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है। अच्छा। 50 मीटर नहीं लगभग जो है 200-300 मीटर दूरी पे है। तो लगता है दादा कि जानबूझकर कुछ शरारती तत्व थे जिन्होंने माहौल खराब किया? अभी शायद जो है ऐसा है कि अब ये हम कहाँ बता पाएंगे कि कौन शरारती है कौन कुछ है। इतने साल से लगा हम अपना बिजनेसमैन आदमी है, अपना धंधा करते हैं, हम यहीं रहना है सब कुछ है, अब कहाँ कैसे का हुआ वहाँ। इतने साल से दादा ये परंपरा चली आ रही है जी जी, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, ये अचानक से जो है क्या बताएं कैसे कि कहाँ से कई मामला हुआ ये नहीं मामला। तो बलबा बवाल होने के लिए कोई मतलब टाइम तो निश्चित है नहीं इसका, कौन टाइम 18-19-20 जगह से मूर्तियाँ आती हैं सब विसर्जन के लिए जाती हैं, यही गौड़िया घाट पर होता है। और आज तक एक समझ लिए कभी कुछ कोई घटना भी नहीं घटी, कोई घटना नहीं घटी, मतलब एक उंगली कहीं नहीं चोट खाई लड़के को, और ये इतना बड़ा हादसा हो गया तो फिर तो अब कैसे ऊपर वाले। अब दादा मूर्तियां जा रही हैं विसर्जन के लिए? हाँ विसर्जन के लिए तो जा रही हैं। पहले आपने रोक दिया था? पहले रोक दिया था। हाँ पहले रुकी थी, मतलब तो सब रुक गई थी कि भाई सारी मूर्तियाँ हो गई साहब ने, अब निकली हैं निकल रही हैं। प्रशासन के लोग आए थे, बात किए थे आप लोगों से? जी हाँ आए थे, लेकिन भाई प्रशासन क्या करे भाई, जब तक के हम लोग मतलब प्रशासन कम था। अच्छा। हाँ उस पर आदमी कम थे, पुलिस बल कम था, यानी कहा जाए हमले वाली स्थिति हो गई, हमला कर दिया गया जी जी, बस वही बात है कि अब जैसा भी हुआ अभी कहाँ से हुआ, हम तो यहीं थे, हम यहीं अपनी मूर्ति के साथ थे।
कौन लोग हैं जो जिन्होंने ये सब किया, कुछ जानकारी? दूसरे समुदाय के लोग थे, गोलीबारी भी कर रही, पथराव किया, गोलीबारी अब वही हुआ है, कहाँ है कोई सुनी सुनाई, हम भी यही बता रहे हैं कि यहाँ कोई कह रहा है गोली लगी है, पथराव हुआ है, पर सुनी सुनाई वाली बात है कि यहाँ क्या हुआ। शाम 4:30 बजे का वक्त था जब मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जो है इसी रोड यानी महाराजगंज से जो है निकल रही थी लाइन से, जो मूर्तियाँ जो है विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा था, वो 4:30 बजे अचानक जब मूर्तियाँ यहाँ पहुँची हैं तो एक समुदाय की तरफ से यहाँ पे विरोध जताया गया, जो डीजे तेज आवाज़ में बज रहा था उसका विरोध जताया गया और उसके बाद सीधे हमला बोला गया। आप देखिए कि जो गाड़ी है यहाँ पे उसकी हालत खुद बता रही है कि किस तरह से गाड़ी को तोड़ दिया गया। ये लोग जो है बता रहे हैं कि बाकायदा तलवार से जो है इस गाड़ी को तोड़ा गया, हमला किया गया, लोगों पे भी हमला किया गया। आप देखिए गाड़ी को पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ के गाड़ी की जो स्थिति है वो ख़राब कर दी गई। पूरी घटना आखिर क्या रही, कैसे पूरी स्थिति रही, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे समझते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अवधेश वाजपेयी, दुर्गा पूजा अध्यक्ष हैं। क्या हुआ था अवधेश भाई? उधर से हमारे लोगों की मूर्ति आ रही थी, डीजे आ रहा था, कुछ मूर्ति मार्केट के अंदर चली गई थी, कुछ मूर्ति जो है रोड पे थी। वहाँ 40-50 लड़के पहले से खड़े थे मोहंडन के। जब गाना बज रहा था तो उन लोगों ने कहा कि गाना बंद कीजिए, मतलब गाली देकर। तो हमारे इधर के 2-3 लड़के बोले गए गाली मत दीजिए, आप 12 वफात किए हैं, डीजे बजाएं, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उधर से पीछे से 4-6 लड़के जो है ढीला डंडा चलाने लगे, एक माता जी की जो है छोटी मूर्ति टूटी। उसके बाद में जब इधर जानकारी हुई, लोग दौड़े, उधर से कनौजिया और कोतवाल साहब हिंदुओं पे ही लाठी चार्ज कर दिए। तब तक उन लोगों को मौका मिल गया, 2-3 मूर्ति तोड़ दिए। उसके बाद में ये मामला शांत हुआ, फिर उधर पुलिस खसेड़ दी, अंदर से इधर से मोहंडन लोग आए और मैं ट्राली के पे, मेरा पैर टूटा है, मैं भाग नहीं पाया। आए नंगी तलवार लेकर गाली देते हुए और हम ये गाड़ी तोड़ने लगे तलवार से, 2-3 फायर किए, जो है वो कारतूस का खोखल भी मिला, ठीक है। उसके बाद उधर से चले गए और इधर जो है फायर किए। अब हम लोगों को पुलिस भगाती रही, एक लड़का भी जो है मारा गया हमारे कमेटी का, ठीक। क्या नाम है इसका? गोपाल मिश्रा रेहुआ का है। अच्छा, गोली लग गई। 2 लड़के घायल हैं जिसकी स्थिति नाजुक है, सब लखनऊ। एक विकलांग है जो दोनों पैर से चल नहीं पाता है, उसको मार दिया, उसका सर फट गया फरसा से। एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसके बाद दान पात्र, उन लोगों का गाली बक रहे थे, कह रहे थे जो है मूर्ति जला दो, गाड़ी जला दो। फिर कुछ लड़के जब हमारे इधर के आदमी भाग गए, उनकी भीड़ ज़्यादा थी कस्बे के अंदर, तो सब दान पात्र उठा उठा के लेकर चले गए। अच्छा, लूट ले गए जी, जो कि दान पात्र में 10 दिन तक आरती होती है, लोग अपनी श्रद्धानुसार जी हाँ दान पात्र में चढ़ावा करते हैं, 50,000-40,000 दान पात्र। इसलिए हम लोग चलवाते हैं कि जो लोग दान पात्र में हंसी खुशी से डालते हैं, उसी से लास्ट में हम पंडित और टेंड का हिसाब कर देते हैं। अच्छा, ये विसर्जन के लिए कहाँ जा रही थी? ये गौरिया घाट है। गौरिया घाट जी, यहाँ से 2 किलोमीटर जी। तो क्या आपको लगता है कि जो स्थानीय पुलिस है, इंस्पेक्टर सी, उनकी लापरवाही रही? इंस्पेक्टर साहब अगर जो चाहते तो उस लड़के की जान बच सकती थी, क्योंकि वो उस लड़का समझ रहा था कि मेरे पीछे भीड़ है। इंस्पेक्टर साहब भीड़ को मारने लगे, लाठी चार्ज करवाने लगे, तब तक वो लोग लड़के को घर के अंदर खींच ले गए, जीवित लड़के के जो है नाखून प्लास से पहले खींचे हैं, उसके बाद उसको जो है लेटा कर सीने पे गोली दागे हैं, फिर सर पे जो है गोपाल जी नहीं गोपाल नहीं सर पिंटू अब्दुल हमीद का लड़के और उनकी फैमिली, उसके बाद तलवार खोज दिए हैं यहाँ, मतलब लाश की भी जो है, उसके बाद 3 घंटे के बाद उनके घर से जो है लाश निकाली गई है। अच्छा जी, तो लग रहा है कि लापरवाही रही पुलिस की यहाँ? लापरवाही नहीं रही, ये घटना केवल जो है इंस्पेक्टर और चौकी का, जो गोपाल यहाँ पे सब लकड़ी का ठेकेदार है, वो पूरा दिन आता है यहाँ, खाता है, पीता है, बैठता है, शाम को मुर्गा लेकर जाता है चौकी में और 4 क्वार्टर शराब लेकर जाता है। उसके 1,000 आदमी गवाह हैं कि वो ड्रिंक करता है और पैसा महाराजगंज से वसूलता है। उसने तो आंख बंद करके मूर्ति के जो प्रतिमा पे पास बैठे थे उनको भी मारने लगा। अच्छा जी, क्या नाम है उसका? गोपाल कनौजिया, जिसने मतलब ये भी किया जी। हाँ, चौकी इंचार्ज। अच्छा, चौकी इंचार्ज है जी। और इंस्पेक्टर कौन है? इंस्पेक्टर सुरेश कुमार वर्मा। यानी इनकी लापरवाही से पूरा माहौल जी, माहौल ये ठंडा हो गया था। ये माहौल ठंडा हो गया था, सब ट्रैक्टर स्टार्ट हो गए थे, लोग निकल लिए थे। उसके बाद कनौजिया जो है पीछे से, जो माता जी को लड़का पकड़ा था, पीछे से उन्होंने लाठी मार दी, फिर जो है गाड़ी रुक गई जी। अच्छा, फिर आप लोगों ने जो है मतलब यहाँ पे मूर्तियाँ रोक दी विरोध में सब?
अब मूर्ति क्या, ड्राइवर भग गए, हमारा पैर टूटा है, हम तो मूर्ति के पास थे तो हमको गाली देने लगे कि खींच लो इसको, काट दो, यो क्यों बैठा है। दो एक लोग परिचित के थे तो कहे कि छोड़ दीजिए, फिर हम बच गए। उसके बाद में हम जो है धीरे धीरे तहसील गए हैं सर। अच्छा, कुछ पहचान पा रहे हैं कौन लोग हैं जिन्होंने माहौल खराब किया? जी बिल्कुल पहचान पा रहे हैं। कौन लोग हैं? एक मुन्ना है जो मकान का काम करते हैं। अच्छा। और एक मुन्ना कबाड़ी है और एक हलीम चिकवा है। कुछ लड़के यहाँ के जो सबसे बड़े आदमी है ये जो जिहाद पूरा चलाते हैं। अच्छा। असलम प्रधान। अच्छा, यानी पूरा जो माहौल है वो डीजे जो तेज बज रहा था उसको लेकर? डीजे तेज बज रहा था और पहले से प्लानिंग थी, क्योंकि अभी हम आपको सुबह दिखाएंगे जगह जगह ये लोग अद्धा पूरे छत पर। अच्छा। छत से इतने अद्धे चले हैं कि हम लोग ट्राली के नीचे चले गए हैं, औरतें तक अद्धा चला रही थी। तो अब आप लोग क्या डिमांड करेंगे, इसमें क्या एक्शन? अब हम लोग डिमांड ये कह रहे हैं कि पहली बात तो हम विसर्जन नहीं करना चाहते थे, रियल चीज़ है, क्योंकि हमारी 4-5 प्रतिमा तोड़ी गई हैं। ये हम लोग मूर्ति लाते हैं 4 फुट 5 फुट 6 फुट लाते हैं, ये लोग ताजिया बनवाते हैं जो कि ताजिया 3-3 मंजिल ऊंची होती हैं, हम लोग कभी विरोध नहीं करते हैं। ये लोग डीजे 12 ऑफ आदमी इतनी तेज बजाए हैं, क्योंकि हम लोग तो थाना हरदी के आधे क्षेत्र के आदमी यहाँ विसर्जन करते हैं। ये यहाँ से खैरी घाट, नानपारा प्रदर्शन के लिए बड़नापुर, कैसरगंज का ये पूरा जुलूस बनाते हैं कि यहाँ पे जो है। उसके बाद ये लोग कहने लगे कि यहाँ के जो है लोग कहते हैं कि ये छोटा पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये नारा भी लगाए, मेरी माता जी के मूर्ति पे चढ़कर नारा लगाए हैं। अच्छा। औरतें लगभग 40 औरतें नंगी गई हैं, नंगी ये दृश्य इन लोगों ने आज दिखाया, नंगी औरतें गई हैं। अच्छा, जो चौकी इंचार्ज हैं जो इंस्पेक्टर, उनको सस्पेंड कर दिया गया, आपको लगता है और भी एक्शन क्या हो सकता है? सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त करके उनको सजा दी जाए। तो बिल्कुल, आप देखिए कि ये मौके पे मौजूद थे जिनके साथ पूरी घटना हुई। इन्होंने बताया कि किस तरह से एक समुदाय की तरफ से बाकायदा पहले विरोध किया गया, उसके बाद हमला किया गया और जो गोपाल था उसको खींच करके तलवार से जो है उसको मारा गया। उसके बाद यहाँ पे गोलीबारी की गई, मूर्तियाँ जो है वो तोड़ दी गई, खंडित कर दी गई, जिसमें गोपाल की जो है मौत हुई है कई गोलियां लगने से। इसके अलावा जो दो लोग हैं वो घायल भी हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है उसके पीछे कहीं ना कहीं स्थानीय जो चौकी इंचार्ज हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी जो लापरवाही है वो सामने आई है। और यही वजह है भले उनको सस्पेंड किया गया है जो लोग हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से पूरी घटना जो है वो ख़राब हुई, क्योंकि उनकी तरफ से लाठीचार्ज किया गया। जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके चलते एक दूसरे समुदाय को मौका मिला और उसने हमला किया और बाकायदा हत्या तक कर दी गई। कैमरा पर्सन अनुपमार, बहराइच।